पहले निकाल ले, पहले तू निकाल ले। ये कुछ सुल्तानगंज स्टेशन से होता हुआ सनसेट, क्योंकि शाम है और यहाँ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, और इधर एक हमारा ट्रेन जा रही है। प्रत्येक दिन यही करते हैं 40 साल से, 40 साल से ये स्विच भी है, तो ये भी खराब पड़ा हुआ है, और वो भी एक्सप्रेस ट्रेन का, और ये ऊपर लगेज का ऑप्शन है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अभी इसे फिलहाल। दोस्तों मैं हूं अभी बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां से कि लोग देवघर जाने के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहीं से जाने के लिए यात्री जो होते हैं श्रद्धालु, वो अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो अभी यहां से मैं जाने वाला हूं, मेरी ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन नंबर 13024 है, जो कि गया हावड़ा एक्सप्रेस है। ये पीछे ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, तो अभी ट्रेन आने का टाइम है 5:45 में, तो देखते हैं ट्रेन अभी आई नहीं है, कितनी लेट होती है, क्या होती है। तो ये कुछ सुल्तानगंज स्टेशन से होता हुआ सनसेट, क्योंकि शाम है और यहाँ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, और इधर एक हमारा ट्रेन जा रही है, और उसके बाद इधर देखिए ये आगे स्टेशन है। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हवा आ रहा है, तो आगे जाते हैं, आपको आगे का भी व्यू दिखाएंगे। हमारी ट्रेन जो है आप देख पा रहे हैं आ चुकी है, यही है गया हावड़ा एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग आराम आराम से आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दिखा आगे है जनरल क्लास, तो अभी चलते हैं आगे। ये देखिए ट्रेन, बस अभी ये ख़त्म हो गया। ठीक है, गया हावड़ा में हम लोग चढ़ चुके हैं, बट ये एक्सप्रेस के जनरल क्लास का ये हाल है, देख लीजिए, कहीं सीट ही नहीं मिल रहा है अंदर का, तो और ही क्या बताएं, पसीना पसीना हो गए थोड़े ही देर में। तो अभी अंदर का व्यू दिखाते हैं, पहले सीट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, बस आप टिकट ले लीजिए, उसके बाद आपको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई कंफर्म नहीं है बिहार के साइड, अभी देखते हैं। साहब इतने देर में जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो इधर पीछे से अब जाके हवा आ रहा है, नहीं तो देखिए अभी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, इसका फेस देख लीजिए, मैंने तो थोड़ा सा फेस को साफ भी किया, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी कि क्या ही बताएं। और ये एक्सप्रेस ट्रेन में ये हाल होगा, ऐसा बुरा हाल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और कभी मैंने ऐसा ट्रैवल भी नहीं किया था एक्सप्रेस ट्रेन में। 2-4 एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लॉग बना चुका हूँ, ऐसे ट्रैवल तो बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन में किया हूँ, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं मैंने देखा था, कभी नहीं झेला था वो भी एक्सप्रेस ट्रेन। हाँ, पैसेंजर में ऐसा हाल नॉर्मल है, लेकिन एक्सप्रेस में क्या ही बताएं, अंदर का देखोगे तो क्या ही बताएं, तो अंदर का पहले देख लो आप लोग। फिलहाल भाई साहब आ चुके हैं अंदर, और ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है अंदर, बहुत भीड़ है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, क्या ही बताएं। एक बार बैक कैमरे से देखिए, देखिए सौरभ भैया फ़ोटो दिखा रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड है, कितना भीड़ है, ऊपर भी लोग लगेज की जगह पे भी बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। आप ये देख लो ट्रेन के बाहर का व्यू, और अभी अंदर तो पूरा भीड़ अभी है ही, खाली जब होगा तो देखते हैं क्या होता है। A few minutes later. तो भाई अभी भागलपुर जंक्शन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है भीड़ खाली हो रहा है। पहले निकाल ले, पहले तू निकाल ले। साहब इतने मशक्कत के बाद अब जाके एक सीट मिला है, देखिए हम लोग को सारे लोगों को सीट मिल चुका है, और अभी पैसेंजर लोग चढ़ ही रहे हैं, भीड़ हो ही रहा है, अभी देखिए ऊपर भी लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भीड़ ही है तो क्या कर सकते हैं। आपको एक बार बाहर से भागलपुर स्टेशन का व्यू दिखा देते हैं। क्यों
ये देखिए फिलहाल बिहार में बादाम बादाम कच्चा बादाम फैला हुआ है ट्रेन में ठंडा पानी वाला ये ना वो कर। और उसके बाद ये देखिए पानी यहाँ पे स्विच है। और सौरभ भैया माजा लेके आए हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, तो आपको एक बार व्यू दिखाते हैं। ये स्विच भी है तो ये भी खराब पड़ा हुआ है और वो भी एक्सप्रेस ट्रेन का। और ये ऊपर लगेज का ऑप्शन है लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अभी इसे सोने के काम में यूज किया जा रहा है। इतना भीड़ ही है और ऊपर बस फैन है, फैन तो चल रही है जैसे तैसे। और ये चार्जिंग पॉइंट भी खराब है, हम लोग का फोन भी डेड होने वाला है, लेकिन क्या ही करें, बस यही कुछ व्यू है ट्रेन का। अभी ये क्या था, मैंगो ड्रिंक ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पी रहा हूँ। पीने देना पहले बढ़िया। अभी पी के टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा टेस्ट था और गर्मी में मजा आ रहा है पीने के बाद। आप भी घुसेड़ दीजिए, मतलब थोड़ा सा हटिएगा भैया, वॉशरूम जाने दीजिएगा। भाई साहब सो फाइनली भाई वॉशरूम में आ चुका और बहुत ही ज़्यादा बदबू दे रहा है। गया हावड़ा एक्सप्रेस, आप ट्रेन नंबर एक बार फिर से दोहरा रहे हो, 13024, चेक कर लो, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। और ये हाल होगा, मुझे नहीं पता था। देखो लोगो लगा हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं है। पानी भी सही से नहीं आ रहा है, क्या ही बताएं। और ये स्प्रे वो मतलब मैंने ठेका नहीं लेकर रखा है, ये देखिए क्या ही बताएं, मत देखो यार। बस ये कुछ वॉशरूम का व्यू है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा, इतना गंदा नहीं होना चाहिए जितना गंदा ये है। तो भाई इसके लिए एक लाइक करो और शेयर करो कि इंडियन रेलवे इस पर ध्यान दे। और इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, और इतने भीड़ में मैंने ये व्लॉग शूट किया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, नॉमिट स्वराज यूज़र नेम है। तो पहले बाहर जाते हैं यार, अभी बहुत टाइम है। तो यहाँ पे नमकीन वाले अंकल हैं और ये बेच रहे हैं बादाम चॉकलेट। अच्छा अंकल ये बताइए, जब भीड़ होता है तो भीड़ में भी आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होता होगा, बहुत दिक्कत होता है। ये क्या है, तो आप गाड़ी में अभी कम भीड़ चल रहा है? कम चल रहा है, ये कम भीड़ है, पूरा कम है तो। अरे बाप रे बाप, हर परिस्थिति में बेचते हैं, कम से भागलपुर उतरते थे कितना भीड़ होगा सोचिए। हर परिस्थिति में बेचना पड़ता है ना, वो तो देखिए वो तो करने ही पड़ेगा, जो धंधा है अब प्रत्येक दिन यही काम है आपका, तो सैल्यूट है अंकल के इस काम को, दिल से सैल्यूट है कि अंकल इतना बड़ा काम कर रहे हैं ट्रेन में। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं साहिबगंज और ट्रेन 10 मिनट बिफोर पहुंची है। और ये देखिए ये कुछ ट्रेन था, ये हम लोग का पीछे था कोच, जनरल कोच, और इधर बहुत आगे है तो लोग उतर रहे हैं। और हम लोग का इधर से शॉर्टकट रास्ता होता है तो इधर से ही हम लोग चले जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम को स्वराज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यूज़र नेम नोमेड स्वराज है, सेम यही है, बस वहाँ पे सिर्फ @ या फिर आप नेम भी सर्च कर सकते हैं। भाई बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा हमारा इस ट्रेन का, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ ट्रेन में व्यू होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।